नमस्कार, मैं हिजम राजन स्वागत करता हूं आपको डेमोक्रेसी न्यूज़ में। मैं ओआरओपी के मुद्दा में बार बार उठाता हूं। हमारा मिशन है ओआरओपी और हमारे जो फौज की जवान है, जो फौज के ऑफिसर्स है, उनको एक ओआरओपी, उनकी जो डेमो जो फंडामेंटल राइट जो है उसको दिलवाना हमारा एक हमने मिशन एक मुहिम रखा है। हमारा मीडिया, हमारा चैनल एक जिम्मेदार एक चैनल होने के नाते हम गोदी मीडिया या जो पेड मीडिया की तरह हम एक्ट या रिएक्ट नहीं करते हैं। हम जरूर ग्राउंड रिपोर्ट और रियलिटी हम दिखाते हैं। ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन हम इसलिए उठाते हैं जो हमारे जो नौजवान जो जेसीओ ओआर जो है बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी भारत सरकार की जो सेवाएं दे करके रिटायरमेंट हो जाते हैं। जब उनकी बच्चे उसकी खुद की जब रिक्वायरमेंट जो समाज में एक रिश्ता बनने लगता है तब ये फौज से रिटायरमेंट हो जाता है। उनके बच्चे कॉलेज जाने के लायक होता, उनके खर्चे बढ़ने का समय आ जाता, तब फौज की जवान जो है रिटायरमेंट हो जाता है। यानी कि फौज को चाहिए एक यंग डायनेमिक एज की जो इन बिटवीन द 18 to 35, यानी कि 18 से लेकर के 35-40 तक जो है आदमी दुरुस्त बिल्कुल जवान एक्टिव रहता है। उस समय को जो है फौज ने अपनी खूब काम लिया, भारत सरकार ने काम लिया, उसके बाद उनको उनकी ज़रूरत की आवश्यकता नहीं होता है। फौज ने भी बार बार जो है एक मुद्दा उठाया है कि भाई अब जो रिटायरमेंट के बाद जो है उनको री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या किसी सरकारी तंत्र पे उनको एब्जॉर्व किया जाए। यानी कि जैसे CRPF होते हैं, जैसे आर्म पुलिस होते हैं, जो स्टेट पुलिस होता है, सेंट्रल पुलिस होते हैं, उनमें री एम्प्लॉयमेंट किया जाए। बट भारत सरकार ने आज तक इसकी कोई संज्ञान नहीं ली, कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। जनरल सतबीर सिंह जो है इस मुहिम को बार बार उठाया। जनरल सतबीर का तो ये भी कहना है कि आपको एक सर्विसमैन कमीशन भी बना दिया जाए ताकि जो है एक सर्विसमैन की वेलफेयर, अब फौज की हैजर्डनेस, उसकी फौज की जो हार्डशिप जो आप प्रैक्टिकली देखोगे, आप अपनी ज़मीन पर देखोगे, तब आपको फौज कितनी तकलीफ से आपकी भारत माता की सेवाएं देते हैं, आपके देश के लिए सेवाएं देते हैं। जो आपको रात को जो है बड़ी मज़े से जो आपको घर में एयर कंडीशन लगा करके सोते हैं, हमारे फौज के जवान जो है 52-53 डिग्री पर जो है राजस्थान के रेगिस्तान पर या कच्छ की जो बॉर्डर पर जो है अपनी सेवा देते हैं। खैर, ये बात अलग हो गई। फिर उसको जो इतने जो सेवाएं दी उनका एक फंडामेंटल राइट तो होता है, उसका एक रीसेटलमेंट किया जाए। उनके परिवार, उनकी बच्चों को जब शहीद हो जाते हैं तो भारत सरकार जब इलेक्शन के टाइम होते हैं तो उस समय पर थोड़ा सा हल्ला गुल्ला, मीडिया थोड़ा सा हाइप देते हैं, लेकिन गोदी मीडिया उस लोगों को प्रमोशन देते हैं जो उनके TRP बढ़ते हैं। उसके बाद जो है उनको बिल्कुल अलग थलग किया जाता है। जैसे आपने याद होगा कि मोदी मीडिया या गोदी मीडिया समझिए, अब शहीद हेमराज की कहानी आपने सुना होगा। जब नरेंद्र मोदी जी जब सरकार जब आने से पहले उन्होंने हेमराज को इतनी प्रमोशन किया था, लेकिन आज हेमराज को धन की पेंशन और उनके घर की हालत देखोगे तो आपकी आँखों से आंसू टपकना रोकेगा नहीं। एक RTI एक्टिविस्ट, एक सर्विसमैन RTI एक्टिविस्ट ने डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा और इससे पूछा कि हमारा जो रिवीजन जो OROP के जो है उसकी क्या हालत है, क्या हालात है। तब CGDA उलन बटोर रोड पालम दिल्ली कैंट की जो जवाब, ये जो है उनकी ये कहना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसकी कोई प्रिपरेशन के लिए कोई उनको हुक्म नहीं दिया है। यानी कि बिल्कुल जो है सरकार ने संज्ञान इसको सीरियसनेस नहीं लिया है। यानी कि OROP रिवीजन की कोई चर्चा अभी हुआ नहीं है। ये RTI एक्टिविस्ट का नाम है मानंद विश्वास, वाइस चेयरमैन JCO OR वेटरन्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैं मानंद विश्वास की RTI की रिप्लाई जो है CGDA, यानी कि ये डिफेंस कंट्रोल डिफेंस अकाउंट होता है, ये दिल्ली में सेंट्रल जो डिफेंस अकाउंट जो है, उन्होंने जवाब दिया डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई उनको
रिवीजन या जो इक्वलाइजेशन ऑफ द ओआरपी जो एनोमलीज जो है उनको कोई उसको ठीक करने को कोई संज्ञान नहीं लेना। एमएसपी का एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे का उनको इक्वलाइजेशन के उन्होंने मुद्दा उठाया था कि एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो एयर कंडीशन सर्विस होता है उनको कैसे मिलिट्री जो एक जो मिलिट्री हार्डशिप पे जो एमएसपी का मतलब है मिलिट्री सर्विस पे, ये सिक्स पे कमीशन के टाइम पे मिलिट्री हार्डशिप पे कहला जाता था, लेकिन अब जो एयर कंडीशन में जो सर्विस करता है उनको कैसे एमएसपी दे रहा है। और जो जवान जो बंदूक के साथ जो जो काउंटर इंसर्जेंसी में जो फेस टू फेस जो हेड हंटिंग जो जो ऑपरेशन में जो है उनको सबसे कम एमएसपी, जो एमएसपी सही मायने में जवानों के लिए जो बनाया गया था वो एमएसपी जो है डाइल्यूशन करके एमएनएस को और ऑफिसर को अभी तो जेशु को भी अलग और जो जिसकी जो नाम से जो जो अलाउंसेस जो सरकार ने जो लागू किया है तो उसका तो मिलने का कोई मतलब नहीं है, जो सबसे जो लास्ट ड्रॉप जो है उसको देने की कोशिश की। अभी मैंने जनरल सर्विस से अभी मैंने फ़ोन में बात किया, मैं ऑनलाइन तो नहीं हो पाया, मैंने फ़ोन पे बात किया तो जनरल सर्विस की कहना और कुछ है। जनरल सर्विस का कहना है कि हमने इस ओआरओपी के जो इक्वलाइजेशन के लिए जो है सरकार ने जो बोला है वो हम बिल्कुल नहीं मानते और हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को हमने केस डाल दिया। यस, हम भी काफ़ी समय से जो ओआरओपी को जो कवरेज करते हुए ये हो 2 मई को उनकी जो लास्ट हियरिंग था और 6 अगस्त को नेक्स्ट हियरिंग है, लेकिन सरकार की मंशा ये है कि इसको कैसे न कैसे जो है विलम्ब किया जाए, कैसे न कैसे डिले किया जाए, इस पैसे को जो जिसकी सही मायने में हकदार जो है उनकी पैसे को कहीं इधर उधर इस्तेमाल करें। ये था आज के ओआरओपी का मुद्दा। और एक महत्वपूर्ण एक बात और एक आपको जो खुशी जो है ये तो पहले भी बता चुका, जो अभी जो रिकॉर्ड ऑफिस या जो आपकी जो सीजीडीए पीसीडीए इलाहाबाद से जो पैसे आपकी जो पेंशन जो आना था वो जो सेंट्रल जो पेंशन जो ऑफिस जो होता है जैसे दिल्ली में एक हो गए जैसे रीजनल हेड जो होता है उनके पास नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट पे जो है रीएम्बर्समेंट किया जाएगा। ये एक खुशी की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा प्यारे भाई जो जो जीशु ओआरस है ओआरओपी में कुछ विलम्ब की संभावना है, आप अपनी माइंड को मेकअप करके चलिए कि ओआरओपी ये नहीं सोचना कि जुलाई महीने में रिवीजन होगा आपको अगस्त महीने में आपकी रिवीजन के पैसे या एरियर आ जाएगा, बिल्कुल कतई नहीं, ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार चाहते कि आपकी ओआरओपी जो है ये डिले किया जाए और उस पैसे को और कहीं, आपने देखा होगा कि जो हमारे जो जीडीपी जो घरेलू जो जो जीडीपी जो है बिल्कुल पिछले 5 जो अरविंद सुब्रमण्यम जो आर्थिक सलाहकार जो है जो पिछले जो सरकार में मोदी सरकार में रहे उन्होंने बताया कि जीडीपी गलत तरीके से छुपा करके गलत तरीके से लोगों के आंकड़े दिया गया था, मात्र 4% के आसपास के जीडीपी है जो 7-8 के करीब जो दिखाया गया था, उसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी सरकार के आर्थिक मामला बिल्कुल खस्ता हालत है, बहुत हालत ख़राब है हर जगह पर, इसको प्राइवेटाइजेशन इवन फौज भी कभी हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन की बात किया जाए, रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर चुके होने वाला है, प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, जैसे लाल किला बेच दिया है वैसे आपके फौज के ऊपर भी कुछ न कुछ आशंका है। जो मैंने जनरल सर्विस से जो बात किया है वो जनरल अगले जो आवाज़ हो जनरल सर्विस की और मेरा कन्वर्जेशन आपको सुनाई देगा, जनरल सर्विस क्या कहते हैं और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हेलो हेलो हाँ जनरल सर्विस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता हूँ आपको? हाँ बोलिए। जो ओआरओपी रिवीजन के जो है, मैं रिवीजन नहीं इक्वलाइजेशन नहीं, एक बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट आई है सर। हाँ उसमें ये लिखा गया कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू वर्कआउट the modalities and methodology of implementation of next revision of pension under one rank one pension, the ministry said in a statement on Friday. Defense Minister Rajnath Singh reviewed the working of DESU, yani ki defense ex-servicemen welfare, including the welfare scheme being extended to the ex-servicemen widows and dependent. ye chitthi to kafi lambe chaure hain,
No, no, I can tell you. Yeah. This is illegal, unauthorized, because once the government has, this is the first stage of ordering inquiry, which was done long back. And consequently, government notification for the implementation of OROP was published, printed and issued authority 7th November 2015. Once the government notification has been issued, thereafter ordering a committee for the same cause is not authorized. But General Sabiji, they are supposed to equalize on 1st July after 5 years. We are not accepting that. We are saying it should be done as and when it occurs, means every year. The case is in the Supreme Court. Supreme Court has asked the government to talk to us on 1st May order. So therefore, we are questioned. I have written to RM that your ordering committee is illegal. But the same on the same day, we have received RTI reply of RTI, an open letter to Defence Minister. Is chitti ka matlab jo hai still matlab usne Defence Ministry ne koi iske next revision of ORP ka koi order jo hai aapke jo नहीं वो तो सीजीडीएस ब्लडी फूल क्वेश्चन कर रहा है कि हम वो पहली हमने 2016 में कर दिया. अरे 2016 में 7th पे कमीशन का किया. ओआरओपी इज अ डिफरेंट थिंग. 7th पे कमीशन इज अ डिफरेंट थिंग जी. सो दे कांट क्लब इट. इट इज रॉन्ग लेटर राइटिंग बाय सीजीडीए. इट इज रॉन्ग इफ ऑर्डरिंग ऑफ कमेटी बाय द डिफेंस मिनिस्टर. तो इसका मतलब इंटर ऑफिस जो है दे आर कंफ्यूजिंग ईच अदर. नॉट ओनली कंफ्यूजिंग, दे आर ट्राइंग टू डिले एंड देयर आफ्टर डिनाई द एक्चुअल वन रैंक वन पेंशन टू द सोल्जर्स. मींस जो 19 की जो 1st जुलाई से जो रिवीजन होना था ये इट कैन बी डिले. यू आर अगेन रजिंदर, यू आर टॉकिंग ऑफ रिवीजन. देयर इज नो रिवीजन, इट इज इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन. Okay, so I must apologize on that. So equalization of the ORP. Equalization of pensions as per the ORP order dated 7th November 2015 by the government. Though we don't agree with this also. We are saying it should be done every year. But 5 years which the government has ordered is also not being applied immediately. But according to this business standard, they are trying to, you know, confusing, or it is trying to delay the. For 3 letters to the defense minister, you can see I have written. You send me your email. I will send you the letters which I have written, so you can quote them. Okay, fine. I will do on that. Just send me your email. Just now, I will send you that. Okay, fine. Thank you, General Chadwe. Okay.